दोनों माननीय सदस्य माननीय सदस्य आप माननीय सदस्य आपस में एक ही विहार के लोग हो, जैसे कहते एक नेचर के, ये भी इसी नेचर के, आप इस नेचर के, तो नेचर को एक कम मत बनाओ माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बिना माननीय सदस्य का नाम लेते हुए मुझे विश्वास है इतनी अनुमति देंगे कि जो आरोप लगाएंगे हैं उसका उत्तर दिया जा सके। आप बोले अपने मन से। मुझे हैरत इस बात की हुई कि आपत्ति कांग्रेस को किस बात की है, हम तो उनका अधूरा एजेंडा पूरा कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं ये कह गए कि यह अस्थाई है, किस दे और कई बार उनके आलोचकों का सामना जब उन्हें करना पड़ता था तो वो कहते थे कि आप धीरज रखिए, ये घिसते घिसते घिस जाएगी। दिस इज द एग्जैक्ट फ्रेज यूज बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप नहीं घिसा सके तो मोदी जी और अमित शाह घिसा रहे हैं, तो आपको तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्लीज गो बैक एंड सी द रिकॉर्ड्स ऑफ द पार्लियामेंट। 1964 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, इसी सदन में एक व्यापक बहस हुई, उसका उत्तर देते हुए तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि सारे हाउस का यह मत है कि अनुच्छेद 370 जाने का समय आ गया है, लेकिन हमें कोई समय दिया जाए, सरकार इस पर विचार करके ये निर्णय लेगी कैसे आगे बढ़ना। फिर परिस्थितियां बदल गई, शास्त्री जी का स्वर्गवास हो गया, फिर इंदिरा जी आ गई, फिर वो दूसरी 75 की कहानी शुरू हो गई जब शेख अब्दुल्ला को वापस लाया गया, उसमें मैं नहीं जाता। उसके उपरांत 1994 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय नरसिम्हा राव जी, जिनका नाम कम लिया जाता है, उन्होंने प्रस्ताव लाया और हमारे दल ने उसका समर्थन किया, सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कहा गया कश्मीर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इफ एट ऑल देयर इज एन इशू इट इज हाउ टू रिट्रीव बैक द पार्ट ऑफ पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जब ये बात आप ही की दल ने मानी, आप ही के सरकार ने मानी, तो फिर भला बहस की बात क्या रह गई? कश्मीर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो पीओजे के है, आज तो बहस होनी नहीं थी चाहिए। और अब आइए आइए ठहरिए, फिर आप कहते हैं कश्मीर की असेंबली को क्यों नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में, बहुत घोर पाप हुआ क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, हालांकि संवैधानिक दृष्टि से इसमें कोई आप आरोप नहीं लगा सकता, कोई इसमें आलोचना नहीं कर सकता। अब मैं एक गंभीर बात करने वाला हूं जिसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, बट यू विल हैव टू बेयर विद मी एंड यू कैन चेक द रिकॉर्ड्स बिकॉज आई एम सेइंग दिस विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड। 2 मार्च 1981, गो थ्रू द प्रोसीडिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली। The then Chief Minister Sheikh Abdullah himself says कि Article 370 can be a stumbling block also for progress. Yes, ये Sheikh Abdullah ने कहा, आपके समर्थन की सरकार थी। आज आपको बड़ी चिंता हो रही है कौन कहां है, अंदर है बाहर है, ये तो उनका भी मानना था। और फिर कहा जा रहा है कि अब उसके बाद, कहने का तात्पर्य यह कि 70 के दशक तक लगभग यह राय बन चुकी थी कि अनुच्छेद 370 को जाना चाहिए। उसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गए, अगली पीढ़ी आई राजनीतिज्ञों की, इन सभी दलों की, वो जकड़ के बैठ गए 370 को, क्योंकि इसके नाम पर उन्हें 8-10% वोट टर्नर काउट करके सांसद में भी बनने का अवसर मिल जाता था, विधायक बनने का अवसर मिल जाता था, सरकारें बनाते थे। और हमें कहा जा रहा है कि आपने प्रजातांत्रिक असूलों का हनन करके, उल्लंघन करके ये बिल लाया है, तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या किया। 1953 में आपने शेख अब्दुल्ला को चलाया, तब तक 53 में आपने उठा करके कोडेकनाल भेज दिया, यह आपका प्रजातंत्र की प्रति मान्यता है। 1983 में आपने फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनकी चिंता बालू जी कर रहे थे और ठीक कर रहे थे, हमारे सीनियर सदस्य, उनको मुख्यमंत्री बनाया।
फिर कुछ ही समय के बाद उनका तख्ता पलट करके उन्हीं की पार्टी के लोगों को बीच में से डिफेक्ट करवा के आपने उन्हीं के बहनोई को मुख्यमंत्री बनाया। यह आपका प्रजातंत्र के प्रति आस्था है। और फिर 1987 में जिस प्रकार की रिगिंग हुई है, जब इन दोनों दलों ने सरकार चला रहे थे, उसका यह खमजाना भुगत जा रहा है कि आज तक एक आतंकवाद का लंबा दौर वहां पर चलता रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की गई, 1953 तक वो भारत के साथ थे, माननीय सदस्य बैठे हैं, यू कैन करेक्ट मी ऑन रिकॉर्ड। 1953 के बाद जब आप कोडे कनाल पहुंचे तो वहां की ठंडी आबो हवा में एक नई ज्ञान वृद्धि हुई, आपने प्लेवी साइड की बात शुरू की, रेफरेंडम हो, जनमानस की राय जानी जाए। रातों रात आपकी प्रतिबद्धता तो अपने आवाम के प्रति भी नहीं है, आप कश्मीर के लोगों के प्रति भी नहीं है। फिर 20-22 वर्ष का यह वनवास गुजरा, 1975 में इंदिरा जी ने आपको पुनः मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया, आपने प्लेबिसाइड फ्रंट को डिसॉल्व कर दिया। एंड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर यू टर्न, नो आई एम नॉट यील्डिंग इन ऑर्डर, यू कैन रिस्पॉन्ड लेटर शशि जी, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस यू टर्न, दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, अ कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड हेडेड बाई दी देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉल देवीदास ठाकुर, जिसने ये रिपोर्ट दी कि भारत के संविधान के जितने भी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं बावजूद 370 के, वो देश हित में है, प्रजा प्रदेश हित में है। दिस इज वॉट शेख अब्दुल्ला एक्सेप्टेड। 370 के बावजूद जहां आपको सुविधा थी आपने प्रावधान लाए, जहां नहीं थी वहां आपने नहीं लाए। अब कहा जाता है साहब 35A का क्या किया आपने, 370 का क्या किया आपने, पूछा किसको नहीं, उस बात पर मैं आऊंगा दो क्षण के बाद। पहले यह मुझे बताइए कि आपकी प्रतिबद्धता कमिटमेंट क्या है 35A और 370 के प्रति। 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो एक काला कानून है जिसको इतिहास भरे मन से अभी भी स्मरण करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42-43, जिसके तहत विधानसभाओं की अवधि काल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। शायद उनको, इंदिरा जी को उस समय लगता था कि अभी अनुकूल वातावरण नहीं है चुनाव कराने के लिए। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री से तुरंत उसको अपना लिया, तब 370 नहीं दिखा, 3 वर्ष के बाद मुरारजी भाई ने उसे रिवर्स किया 45-46 में। सारे प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष से घट के 5 वर्ष कर दिया गया, आपका वैसे का वैसा रहा, उस समय आपने आड़ ले ली 370। यू हैव मिस यूज 370 फॉर योर पोलिटिकल बेनिफिट एंड यू हैव बीन डिसलॉयल टू 370, यू हैव बीन डिसलॉयल टू योर ओन पीपल। आप बताइए 35 से, बहुत पुरानी बात नहीं, पिछले वर्ष की बात है, पंचायत का चुनाव होता है, आपने बहिष्कार किया एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली, आपने कहा वी आर नॉट कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन टिल द इशू ऑफ 335 कैपिटल ए इज रिजॉल्व्ड। चलिए मान लिया, वो आपका दृष्टिकोण है, आपको मुबारक है, आपकी आस्था आपकी प्रतिबद्धता की हम इज्जत करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने के बाद ही आप लोकसभा के चुनाव में आ गए, तब 35 भूल गए, बिकॉज आपको लगा कि 8-10% वोट बैंक होगा और यहां हम बैठकर आ जाएंगे, बालू जी के साथ बैठ जाएंगे। और ये 8-10% वोटर टर्नआउट कि जो संस्कृति पिछले 30-40 वर्ष से पनपी है घाटी में, इसी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया और यही आज इस विधेयक का विरोध भी कर रहे हैं। वो पार्टी जो अटॉनमी की बात करती है वो पंचायत के लिए अटॉनमी में विश्वास नहीं रखती, इसलिए पंचायत के इलेक्शन का बहिष्कार किया, इसलिए 73-74 अमेंडमेंट जो राजीव गांधी जी लाए थे और बहुत बढ़िया कानून था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अटॉनमी देन फॉर हुम, फॉर द फैमिली, फॉर द डायनेस्टी। और इसलिए अब कहा, एक बात अभी आई, बालू जी हमारे बड़े सीनियर है, उन्होंने भी कही, कुछ और मित्रों ने भी, कि बातचीत नहीं हुई, स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई। मैं बड़ी ज्यादा हैरत में पड़ जाता हूं कि कौन है वो स्टेक होल्डर, इज दिस पार्लियामेंट नॉट ए स्टेक होल्डर,
वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स एज लॉन्ग एज कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ईच ऑफ द 130 crore सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ स्टेक होल्डर एंड वी सिटिंग इन दिस हाउस रिप्रेजेंट 130 crore पीपल ऑफ इंडिया. हमसे ज्यादा स्टेक होल्डर और कौन? आपकी मानसिकता में तीन नाम घुसे हैं कुछ, वो तीन नाम हैं, वो तीन छवियां, उनसे बात हो तो वो स्टेक होल्डर. भारत का प्रत्येक नागरिक, क्योंकि कश्मीर यदि हमारा है तो हम स्टेक होल्डर हैं. यही नहीं, कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी पंडित जिसको खदेड़ के निकाल दिया गया रातों रात अपना चूल्हा अपनी रसोई छोड़ करके, वो भी स्टेक होल्डर है. वहां का सिख भी स्टेक होल्डर है. पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी स्टेक होल्डर है. आज तक उन्हें नागरिकता नहीं दी गई. मुझे नहीं लगता विश्व में इस प्रकार का उदाहरण है. इसी देश में दो प्रधानमंत्री हुए जो पश्चिम पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर के आए थे, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, माननीय इंद्र कुमार गुजराल जी. लेकिन जिन्होंने शरण जम्मू कश्मीर में ली उन्हें आज तक नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया. आर दे नॉट दी स्टेक होल्डर्स? और फिर कहा गया ये बिल इट हैज बीन ब्रॉट इन हरी. ये आरोप कल भी लगाया गया आज भी कि बहुत जल्दी जल्दी लाया जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी लाया जा रहा है, ऐसा किया गया. अब मुझे आप बताइए, हरी मैं कानून का विद्वान नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा आपसे. हमने वो तो नहीं किया कि रात को राष्ट्रपति को जगा करके इमरजेंसी के दस्तावेज पे दस्तखत करा. हमने ये तो नहीं किया कि जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ इलाहाबाद के एक जज ने निर्णय दे दिया तो हमने इमरजेंसी सेशन छुट्टी के दिन बुलवा करके इमरजेंसी का पास करवाया. ऐसा तो नहीं किया. तो इतना बेरहम तो ना होइए. वो शनिवार का दिन था, हमने किसी की छुट्टी कैंसिल नहीं की. हम पे आरोप लगाया जा रहा है पॉट कॉलिंग दी केटल ब्लैक. हमने तो सोमवार को किया. वर्किंग डे. अब मुख्यमंत्री को बुलवा लिया और 17 मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलवाया हस्ताक्षर करने के लिए. हमने ऐसा घोर अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया. और अब फिर कहा गया कि साहब ये स्टेट असेंबली से क्यों नहीं गया. मुझे लगता है कि माननीय गृहमंत्री जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया कि जहां पर भी राष्ट्रपति शासन होता है ऐसे ही होता है. इसका उत्तर आंध्रा के हमारे मित्रों ने दे दिया. मैं नहीं चाहता कि फिर से आपके ऊपर वो नजला गिरे, वो बात कर चुके हैं क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना के विषय में बात आ गई. अब वहां राष्ट्रपति शासन भी नहीं था. अब बात आ गई एलिनेशन. अब बात आ गई अध्यक्ष महोदय. अब बस 5-7 मिनट. अध्यक्ष महोदय वो आपको आंध्रा के मित्र बताएंगे, गलत था कि सही, वो आंध्रा के मित्र बताएंगे. आप बता दीजिए. आपके पीछे ही उत्तर है. मंत्री जी के बाद उन्हीं का नंबर है, आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा. क्योंकि इनका उत्तर इनके आपका उत्तर आप ही की बेंचे से आ रहा है, इसलिए आपका उत्तर आप ही के बेंचे से आ रहा है, मुझे इसका देने की आवश्यकता नहीं. अब बात ये आई कि अनुच्छेद 370 हटा दिया तो एलिनेशन हो जाएगी. ये अंग्रेजी के बड़े बड़े लच्छेदार लफ्ज हमें सुनाए गए 30-40 और हमें ठगा गया. एलिनेशन, एस्पिरेशन, इतनी फिलॉसफी. मैं जमीन का कार्य करता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं अगर एलिनेशन हुई है तो 370 के कारण हुई है. आपने वहां के युवाओं को भाग की भारत के युवाओं से जुदा रखा, वहां के नागरिकों को मानसिकता में डाल दिया कि आप अलग है ना. उन्हें यहां के हित पहुंचे, लाभ पहुंचे, और ना ही उनकी मानसिकता उस प्रकार विकसित हो सकी जिस प्रकार देश के बाकी नागरिकों की हुई. क्योंकि हमारे यहां, और इसलिए आज सारे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है. जब से अनुच्छेद 370 को हटाने की बात आई, अगर चिंता है तो 2-4 उन लोगों को जो अलगाववादी राजनीति करते हैं, बट आई वुड से दिस दैट दे आर ऑल्सो नॉट ट्रू टू दिस आइडियोलॉजी ऑफ सेपरेटिज्म.
दे आर सेपरेटिस्ट बाई कन्वीनियंस नॉट बाई कन्विक्शन। अगर वो कन्विक्शन के साथ होते तो अपने बच्चों को विलायत पढ़ने ना भेजते और पड़ोसी के बच्चों को पत्थरबाज ना बनाते। कश्मीर के अवाम को उन्होंने ठगा। और साथ ही साथ अगर चिंता है तो उन दो तीन परिवारों को जो 10% वोट बैंक के 8% लाभार्थी हैं, जब वो सत्ता से बाहर होते तो रातों रात कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं है ये प्रश्न उन्हें सताने लगता है। सत्ता पे बिठा दीजिए, दूसरे दिन कहेंगे कश्मीर अभिन्न अंग है। ये उनकी कन्विक्शन है। और इसलिए और साथ ही साथ एक वेस्टेड इंटरेस्ट उनके साथ जुड़ गया और वो चाहते ही नहीं कि कश्मीर के हालात सामान्य हो, क्योंकि यदि सामान्य हो जाएंगे बिकॉज दे हैव लर्न टू थ्राइव टू फ्लरिश टू सस्टेन देयर पॉलिटिक्स इन एन एटमोस्फियर ऑफ वैक्यूम। अगर माहौल खुल जाए और उनके साथ जुड़ गए हमारे कुछ बुद्धिजीवी, एक नया चलन शुरू हुआ है कुछ वर्षों से इस देश में, दो चार दिन हुआ ये कश्मीर घाटी, वापस आकर के किताब लिख जा लिए, आप कश्मीर एक्सपर्ट माने जाते हैं। और अगर एलिनेशन का कोई समाधान है तो इसी में है कि 370 को हटाया जाए। अब कहा जाता है कि साहब बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी के कारण वहां पर आतंक आया, तो क्या बेरोजगारी बिहार में नहीं है, बेरोजगारी आंध्रा में नहीं है, तो वहां क्यों नहीं आतंक आया? यहां इसलिए आया कि 370 प्रूव टू बी अ फैसिलिटेटिंग फैक्टर फॉर द प्रमोटर्स ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान को मौका मिला क्योंकि आपने उसको अलग छलग रखा हुआ था और उनके वो ये मौका मिला। अगर ये खुले माहौल में रहते तो शायद पाकिस्तान के भी मंसूबे वहां पूरे नहीं हुए होते। और इसलिए जो कश्मीर, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मात्र इतना कहूंगा कि कश्मीर का आम युवा, एंड आई सेड दिस इवन यस्टरडे, हम माने कि ना माने, हमें यह बात पसंद आए कि ना पसंद आए, द कॉमन मैन इन द स्ट्रीट ऑफ श्रीनगर इज रिजॉइसिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन एक खौफ का पर्दा उसे रोके हुए है। आप गलतफहमी के आप शिकार हैं, आप शिकार हैं, बिकॉज दे 8% वाले शिकार हैं, 8% वाले। शायद किसी दिन दिस स्कूल ऑफ थॉट इमर्जेस इन दिस कंट्री दैट वी शुड हैव अ मिनिमम थ्रेशहोल्ड टू एक्सेप्ट अ मेंबर एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और तब तक हमें 8% और 10% वोटर टर्नआउट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई होप समडे अ स्कूल ऑफ थॉट इमर्जेस एंड सजेस्ट दिस दैट वी हैव अ मिनिमम थ्रेश होल्ड वोटर टर्नआउट टू एक्सेप्ट अ मेंबर एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मैं जो बात विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, यार आप तो चुप करो ना, आप भी अध्यक्ष महोदय जो बात करूंगा प्रमाण सहित करूंगा। कश्मीर का युवा आज इतना एस्पिरेशनल है कि समटाइम्स वन टेंस टू बिलीव दैट ही इज मोर एस्पिरेशनल कंपेयर टू हिज पीयर्स एंड काउंटर पार्ट्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, एंड आई एम सेइंग दिस विद एविडेंस। पिछले 4-5 सालों से हर साल सिविल सर्विसेज और आईएएस के इम्तिहान में, चूंकि मैं डीओपीटी के साथ संबंधित हूं, एक ना एक टॉपर आतंक प्रभावित जिलों से होता है कश्मीर के। वी आर नॉट रॉन्ग बट यू वांट इट टू बी रॉन्ग सो दैट योर पॉलिटिक्स ऑफ परवर्शन कैन सर्वाइव। 35-40 बच्चे हर साल आईआईटी जेई के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के देश भर में आईआईटी में और इंजीनियरिंग कॉलेज में और एनआईटी में जा रहे हैं। 40 और 50 बच्चे हर वर्ष आतंक प्रभावित जिलों से नीट के इम्तिहान में उत्तीर्ण होकर के देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं। आर्मी में भर्ती होने के लंबी लाइन, और इनको चिंता है क्योंकि ये चाहते हैं कि सारा देश इसी झांसे में रहे कि हालात बहुत खराब है, हमारे बगैर गुजारा नहीं, हमें बिठा दीजिए। ये दो परिवार 40 साल तक ठगते रहे इस देश को और आज भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं, बट देयर टाइम इज अप नाउ।
कि हमारे बगैर कोई गुजारा नहीं, बहुत हाल। मैं आई एम गिविंग यू द एविडेंस, गिविंग यू द फिगर्स, गिविंग यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द नंबर ऑफ यूथ हु हैव इमर्ज फ्रॉम द मोस्ट टेरर अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर एंड डन बेटर फॉर देमसेल्व्स कंपेयर टू देयर पीयर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड देयरफॉर टू कंक्लूड आई वुड जस्ट से that we are a part of a global world and India today Meghwal ji ka desh hai ke is baar sher nahi aaya sher aa raha hai na sher ka to main matra itna kahunga ki we are part of a global world and India has already become an intrinsic part of this global world and we have no right, absolutely no right to deprive the citizens of Jammu and Kashmir to be a beneficiary of this global culture which is developing. Enormous avenues are unfolding in contemporary India, particularly under the leadership of Prime Minister Modi. The youth of Kashmir has moved on in the development journey of new India. हमें कोई अधिकार नहीं हम उसे वंचित रखे 370 और इस प्रकार के दूसरे अड़चने ला करके। और जैसे मेघवाल जी ने कहा कि हमारी आकांक्षाएं एक जैसी, हमारी उम्मीदें एक जैसी, हमारी मजबूरियां, हमारी बेबसियां भी एक जैसी, हमारा इतिहास एक जैसा, तो शेर इन्होंने मांगा तो शेर है एक कि मेरी जमीन भी क्लूड। आई विल जस्ट से दैट द कॉमन मैन ऑफ कश्मीर हैज मूव्ड ऑन, सम ऑफ द पॉलिटिशियन फ्रेंड्स आर स्टिल स्टक इन द पास्ट एंड दे आर स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द पास्ट, बट दिस इज द थर्ड जनरेशन पोस्ट 90 जनरेशन, दे गो बाय एविडेंस। वो अपने माता पिता पर भी तब तक यकीन नहीं करते जब तक तर्क के साथ उनके आगे बात न रहे, और इसलिए लेट्स नॉट डू इनजस्टिस टू देम। एंड आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग कि देर इज नो सच इशू एज कश्मीर इशू। ये बार बार कहकर के मुद्दा 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 हम उन लोगों को हथियार देते हैं नैरेटिव बनाने का जो चाहते हैं कि मुद्दा बना रहे ताकि उनकी राजनीति चले, बुद्धिजीवियों का बुद्धिजीवी चले। इफ एट ऑल देर इज एन इशू एंड दिस इज वॉट वॉज स्टेटेड बाई द कांग्रेस गवर्नमेंट एंड वी सपोर्टेड इट, ओनली इशू इज POJK, हाउ टू रिट्रीव बैक पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर। वही एक विषय है और मुझे विश्वास है जब मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जब मैं धन्यवाद करता हूं गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का, उनकी क्षमता का, और जिस प्रकार से ये विधेयक लाया गया, तो मुझे विश्वास है कि अब अगला काम यही बचा है हमारा, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को किस प्रकार भारतीय संविधान का हिस्सा।